लिबास का रंग कैसा हो, किस तरह का लिबास हमें पहनना चाहिए। रंगों में सबसे बेहतरीन रंग जिसको कहा गया है वो सफेद रंग को कहा गया है। ऐसा नहीं है कि दूसरे रंग का लिबास नहीं पहन सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन रंग जिसको कहा गया है सफेद रंग को कहा गया है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलबिसु मिन थियाबिकुम अलबियाज वकफ्फिनु फीहा मौताकुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सफेद कपड़े पहना करो और उसमें तुम अपने मुर्दों को कफनाया करो, उन्हें कफन दिया करो। एक दूसरी हदीस में आपने फरमाया, अलबिसु मिन थियाबिकुम अलबियाज फइन्नहा अतयब व अतहर। सफेद कपड़े पहना करो इसलिए कि सफेद कपड़ा जो होता है वो सबसे ज्यादा उमदा और बेहतरीन होता है, सबसे ज्यादा पाक साफ होता है, सुथरा होता है। तो ये दो रिवायतें हैं जो हमें बता रही हैं कि सफेद रंग सबसे ज्यादा बेहतर होता है। अब सवाल ये होता है कि कौन सा रंग हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जाफरानी और खालिस लाल रंग का कपड़ा मर्द हजरात नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। जाफरानी रंग यानी साधुओं का लिबास और लाल रंग आप तो जानते ही, लाल रंग खालिस लाल रंग का कपड़ा मर्द हजरात नहीं पहन सकते, औरतें पहन सकती हैं। अब्दुल्लाह इब्ने अमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक आता है, एक मरतबा वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, वो दो कपड़ा पहने हुए थे, दोनों कपड़े लाल रंग के थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो आप काफी नाराज हो गए। अब्दुल्लाह इब्ने अमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों नाराज हो रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो ये लाल रंग का लिबास पहन रखे हो इससे मैं नाराज हूं, ये कुफार की मुशाबियत है। इसके बरक्स एक दूसरी रिवायत बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से आती है, वो बयान करते हैं, कहते हैं कि एक मरतबा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जुब्बा पहने हुए देखा जो लाल रंग का था, और कहते हैं कि वो आप पर इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा था कि मैंने उससे ज्यादा खूबसूरत लिबास आपके जिस्म पे कभी नहीं देखा था। तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि लाल रंग का कपड़ा पहन सकते हैं। लेकिन इब्नुल कय्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी वजाहत की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लाल रंग का जुब्बा पहने हुए थे वो यमन का बना हुआ था, और यमन के जो बने हुए कपड़े होते हैं उसके अंदर दूसरे कलर के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं। मालूम ये हुआ कि अगर कोई ऐसा लाल कपड़ा है जिसमें दूसरे रंग के धागे मिले हुए हैं तो उसका इस्तेमाल जायज है, जिसे हम लोग धारीदार कपड़ा कहते हैं। तो इस तरह का अगर लिबास है तो पहन सकते हैं, वरना अगर खालिस लाल रंग का है तो उसे मर्दों के लिए पहनना जायज नहीं, औरतें पहन सकती हैं।